आज हम आपको एक ऐसे अभिनेता के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने फिल्मों से ज्यादा नाम धारावाहिक से कमाई, जिन्हें लोग भगवान के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं अरुण गोविल की। रामानंद सागर निर्मित रामायण का जब से दोबारा प्रसारण शुरू हुआ, तभी से सबके मन में इसके हर एक किरदार के बारे में जानने की जिज्ञासा बढ़ गई। 90 के दशक के रामायण को आज भी काफी पसंद किया जाता है। लॉकडाउन के दौरान रामायण का दोबारा प्रसारण शुरू किया गया था, जिसने दूरदर्शन की टीआरपी को एक बार फिर से टॉप पर पहुंचा दिया। वही इन दिनों इस टेलीविजन सीरियल में भगवान राम का किरदार निभाने वाले अभिनेता अरुण गोविल के बारे में आपको बताएंगे कि वह आज कहां है और क्या करते हैं, कैसे दिखते हैं, और साथ ही हम आपको उनकी फैमिली से भी रूबरू करवाएंगे। तो बने रहिए वीडियो की अंत तक। दूरदर्शन पर पहली बार रामायण का प्रसारण 25 जनवरी 1987 में शुरू हुआ और आखिरी एपिसोड 31 जुलाई 1988 को दिखाने को मिला था। सीरियल में अभिनेता अरुण गोविल ने राम का किरदार निभाया था और वे अब तक भगवान राम की छवि से बाहर नहीं निकल पाए हैं। शो के प्रसारण के 34 साल बाद भी गोविल को आज भी टीवी के राम के रूप में ही पहचाना जाता है। हालांकि वे एक्टर नहीं बनना चाहते थे, उनका सपना तो बिजनेसमैन बनने का था और इसी सपने के साथ वे मुंबई पहुंचे थे। एक इंटरव्यू के दौरान खुद अरुण ने बताया कि राम का किरदार निभाने के बाद लोग उन्हें असल में भगवान राम मानने लगे थे। वे जहां जाते थे लोग उन्हें देखकर हाथ जोड़ने लगते और उनके पैर छूने लगते थे। टीवी पर रामायण सीरियल देखते समय लोग अगरबत्ती तक जलाने लगे थे। इतना ही उन्हें फिल्मों में भी इसी तरह के रोल ऑफर होने लगे, जिसकी वजह से उन्होंने एक्टिंग से दूरी बना ली थी। रामनगर में जन्मे थे टीवी के राम अरुण गोविल। उनका जन्म 12 जनवरी 1958 को रामनगर मेरठ उत्तर प्रदेश में हुआ था। अरुण के पिता का नाम श्री चंद्र प्रकाश गोविल था। उनके पिता एक सरकारी अफसर थे। अरुण की मां का नाम शारदा देवी था। शारदा देवी एक हाउसवाइफ थी। अरुण गोविल के 5 भाई और 2 बहनें थी। सभी भाइयों बहनों के बीच बहुत प्रेम था। जब वे मेरठ यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे, तब उन्होंने कुछ नाटकों में काम किया था। टीनेज लाइफ उनकी सहारनपुर में बीती। अरुण के पिता चाहते थे कि वे सरकारी नौकरी करें, लेकिन खुद अरुण ऐसा कुछ करना चाहते थे जो हमेशा के लिए उनको यादगार बन जाए। इसी वजह से वे बिजनेस करने का सपना लेकर मुंबई आ गए और बाद में एक्टिंग का रास्ता चुन लिया। अरुण मुंबई में काफी समय तक अपने बड़े भाई विजय गोविल के साथ रहे। यहां अरुण के पास अपना करियर बनाने का समय था। अरुण के पास 2 रास्ते थे। पहला रास्ता था कि वो अपने भाई के बिजनेस में हाथ बटाए, जो कि बेहद ही सीधा और सरल रास्ता था। दूसरा रास्ता था कि अपनी भाभी तबस्सुम की तरह कला के क्षेत्र में आगे बढ़ने का, जो कि थोड़ी कठिन राह थी। लेकिन अरुण ने यहां दूसरा रास्ता चुना। बता दें कि अरुण गोविल की भाभी तबस्सुम फिल्मी इंडस्ट्री का जाना पहचाना नाम है। तबस्सुम ने सालों तक बॉलीवुड में अपना योगदान दिया है। हालांकि इस बारे में अरुण के फैंस नहीं जानते थे कि उनका और तबस्सुम का इतना गहरा रिश्ता है। मुंबई आने के बाद अरुण ने पहली फिल्म सन 1977 में पहेली की थी। हालांकि इस फिल्म में अरुण का साइड रोल था, लेकिन अगली ही फिल्म सावन को आने दो में उन्हें लीड रोल मिल गया और यहां से अरुण की करियर की गाड़ी चल पड़ी। फिल्म इंडस्ट्री में रहते हुए अरुण को श्रीलेखा से प्यार हो गया और दोनों ने 1979 में शादी कर ली। अरुण की पत्नी श्रीलेखा भी अभिनय की दुनिया से ही ताल्लुक रखती थी। शादी से पहले श्रीलेखा ने कई फिल्मों में भी काम किया है। वैसे वो एक थिएटर आर्टिस्ट थी। बड़े पर्दे पर पहला ब्रेक अरुण को पॉपुलैरिटी भले ही छोटे पर्दे के राम बनने के बाद मिली, लेकिन उन्हें पहला ब्रेक 1977 में ताराचंद बड़जात्या की फिल्म पहेली में मिला। उसके बाद उन्होंने सावन को आने दो 1979, साच को आज नहीं 1979 और इतनी सी बात 1981, हिम्मत वाला 1983, दिलवाला 1986, हथकड़ी 1995 और लवकुश 1997 में जैसी कई बॉलीवुड फिल्मों में अहम भूमिका निभाई। राम से पहले मिला विक्रमादित्य का किरदार। रामानंद सागर ने अरुण गोविल को सबसे पहले सीरियल विक्रम और वेताल में राजा विक्रमादित्य का रोल दिया था। इसकी अपार सफलता के बाद 1987 में रामायण में भगवान राम का रोल अरुण ने निभाया। इस रोल से वे इतने पॉपुलर हुए कि आज भी लोग उन्हें टीवी के राम कहकर ही बुलाते हैं। वैसे अरुण ने लवकुश, कैसे कहूं, बुद्धा, अपराजिता,
वो हुए ना हमारे और प्यार की कश्ती में जैसे कई पॉपुलर टीवी सीरियल्स में काम किया है। फैन की डांट के बाद छुट्टी सिगरेट। एक इंटरव्यू में अरुण गोविल ने खुलासा किया था कि एक बार वो एक तमिल बायलैंग्वेज फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। ये तभी शूटिंग के दौरान उन्हें सिगरेट की तलब लगी। उस वक्त वो चेन स्मोकर हुआ करते थे तो वो कोने में जाकर सिगरेट पीने लगे। एक शख्स किसी अन्य भाषा में उन्हें भला बुरा कहने लगा। तभी उन्होंने पास खड़े दूसरे व्यक्ति से पूछा कि वो शख्स उन्हें क्या कह रहा है। तब उन्हें मालूम चला कि वो व्यक्ति उनका फैन था, लेकिन उन्हें सिगरेट पीता देख उसे गुस्सा आ गया और वो बोला कि हम आपको भगवान मानते हैं और आप सिगरेट पी रहे हैं। इस घटना के बाद अरुण गोविल ने बताया कि उन्होंने कभी सिगरेट को हाथ नहीं लगाया। बात करें उनकी निजी जीवन के बारे में तो उनकी पत्नी का नाम श्रीलेखा गोविल है। अरुण और श्रीलेखा की दो संतानें हैं, बेटे का नाम अमल और बेटी का नाम सोनिका गोविल है। श्रीलेखा से शादी के बाद अरुण के दो बच्चे हुए, बेटी सोनिका गोविल और बेटा अमल गोविल। अरुण गोविल अब केवल पिता ही नहीं बल्कि दादा भी बन गए हैं। अरुण गोविल की बहू का नाम दिव्या है। अरुण के बेटे अमल के भी दो बच्चे हैं, बेटा आर्यवीर और बेटी आर्याना। अरुण गोविल अपने परिवार के साथ एक खुशहाल जिंदगी जीते हैं। रामायण के दोबारा प्रसारण के दौरान अरुण के परिवार के साथ एक तस्वीर भी वायरल हुई थी जिसमें उनका पूरा परिवार साथ में बैठकर रामायण देख रहा था। आज वो पहले के मुताबिक काफी बदले हुए नजर आते हैं, जो कि आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।